हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कभी कहीं पे आपका डेटा प्रोवाइड कराया जाता है और उसे आधार के साथ ऑथेंटिकेट किया जाता है, तो कभी कभी कुछ एरर आ जाती है। और वो एरर ज़्यादातर 99% केसेस में इस तरह की एरर होती हैं। आपने देखा होगा, आधार डिटेल्स नॉट वेरीफाइड, एरर PI, बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा डिड नॉट मैच। या फिर एक दूसरी तरह की होती है, इसमें यह लिखा होता है कि आधार डिटेल्स नॉट वेरीफाइड, एरर PA, ठीक है ना, और एड्रेस एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा डिड नॉट मैच। तो इसमें फिर ये देखना पड़ता है हमें कि वो एरर किस टाइप की है। दो तरह की एरर ज़्यादातर आती हैं और इन एरर में क्या क्या गलती हो सकती है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, PII मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये आपकी बेसिक जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब आपके नाम और इस तरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं, उनमें कुछ अगर एरर होती होगी तो उसे PII बेसिक एरर कहते हैं। और अगर मान लीजिए, सपोज करिए आपके एड्रेस PA मतलब पर्सनल एड्रेस जो है आपका, उसमें अगर कोई एरर आती है तो उस केस में ये वाली एरर आती है। अब हम देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या क्या चेंज करने से ये सही हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एरर रेफरेंस डॉक्यूमेंट देख रखा है और ये जो है एरर जो नंबर है वो आपका 100 कहलाता है और डिस्क्रिप्शन इसका होता है PI बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा डिड नॉट मैच। तो इसमें यूज़र को क्या करना चाहिए, द प्रोवाइडेड पर्सनल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, PII का मतलब यही है, पर्सनल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मैच नहीं कर रही है। आधार में आपने कुछ और दे रखा है और आप जो जहाँ पे से आप उस आधार को ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो, या ऑफिस में हो सकता है, या आपके एजुकेशनल बोर्ड में हो सकता है, या कहीं भी राशन कार्ड वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी अगर वो आधार के साथ लिंक्ड होती है, तो उस केस में जो है वो अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये वाली एरर देखने को मिलती है। तो पर्सनल आइडेंटिटी अगर मैच नहीं करेगी तो फिर आपके में ये एरर आ जाएगी। इसमें प्लीज़ री एंटर योर, अब इसमें करना क्या होता है तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपका नाम, ठीक है ना, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, एज, फ़ोन, ईमेल, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी जो हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं, तो आपको इन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। सारी चेक कर लीजिए एक बार और उसके बाद अगर कुछ मिस्टेक है कहीं पे तो वो फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका PA मतलब कहने का ये है कि पर्सनल एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये पर्सनल आइडेंटिटी हो गई PI, PA मतलब पर्सनल एड्रेस हो गया। एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा डिड नॉट मैच, इसका मतलब होता है द प्रोवाइडेड पर्सनल एड्रेस इन्फॉर्मेशन डिड नॉट मैच। तो इसके केस में CO यानी कि केयर ऑफ आपको, यानी कि सन ऑफ, ये चेंज करना पड़ेगा। किसी के अगर फादर नेम में मिस्टेक है तो वो यहीं पे पता लगती है कि फादर नेम यहाँ पे सन ऑफ लिख के लिखा होता है। तो अगर आपके पिता के नाम में और आपने अपने डिपार्टमेंट में या बोर्ड में, एजुकेशनल बोर्ड में आपने वो नाम गलत लिख रखा है, तो यहाँ पे आकर के वो उससे मिसमैच कर जा रहा होगा, तो आपको ये एरर आ रही होगी। या फिर आपका हाउस, स्ट्रीट, ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें अगर मिसमैच हो रही होंगी तो फिर आपको ये वाली एरर देखने को मिलेगी। बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच, ये तो खैर बहुत मुश्किल से होता है, वो तो जब आप गलत करेंगे या फिर आपकी फिंगर में कुछ प्रिंट में या दिक्कत होगी या कुछ जो भी चीज़ें हैं वो बात अलग है। मेन चीज़ें, मेन एरर ये दो होती हैं। तो इसमें आप ध्यान दे लीजिए कि अगर ये वाली एरर आती है तो आपको ये वाली चीज़ें चेक करनी है, और अगर ये वाली एरर आती है तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है ध्यान से, और कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसे अगर करेक्ट करा लेंगे तो आपकी ये एरर जो है वो सही हो जाएंगी। फिर आपका जो है आधार आसानी से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ये वाली जो एरर आ रही है वो नहीं आएंगी। तो ये वो दोनों एरर थी जिसके बारे में जो है वो आप अगर परेशान रहते हैं तो आपको इससे उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन मिल गया होगा। कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एकदम से एरर आने पर लोग घबरा जाते हैं, तो वो चीज़ें उनको पहले से पता रहेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।